रांची के करमटोली स्थित धुमकुड़िया भवन में आदिवासी समुदाय की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें ईवीएम हटाओ देश बचाओ के बैनर तले 2 मार्च को रांची में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही कहा गया कि ईवीएम से चुनाव कराने का आदिवासी समुदाय विरोध करता है। 2 मार्च को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला जाएगा, वहीं ईवीएम के डेमो को जलाया जाएगा। आज जिस तरह से पूरा देश में जो चल रहा है, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ, ये सभी लोग जान चुके हैं कि जो अभी सत्ता में जो बैठे हुए जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं ईवीएम के माध्यम से वोट का चोरी करके अपने सरकार को बना रही है, चाहे वो राज्य सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो। आपने देखा होगा कभी सुप्रीम कोर्ट के वकील लोगों ने भी पूरी तरीका से विरोध कर रहे हैं, और किसान भी पूरी तरीका से विरोध कर रहे हैं, और भीम आर्मी जो एक संगठन है चंद्रशेखर आजाद को भी पूरा विरोध कर रहे हैं। और इसी तर्ज पर मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार हम लोग ईवीएम को पूरी तरीका से निरस्त करेंगे, समाप्त करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव हो ताकि जो सही जो आम पब्लिक जो जनता देती है जो वोट, वो सही जगह पे वोट जाए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि किस तरीका से वोट का चोरी किया जाता है। आम आदमी का जो वोट का जो चोरी होता है, उससे बचने के लिए हम लोग कह रहे हैं, इस बार निर्वाचन आयोग को लेटर भी लिखेंगे, और लेटर के माध्यम से ये रहेगा कि जो भी हो इस बार चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, और बैलेट पेपर से अगर नहीं होता है तो हम लोग पूरी तरह से विरोध करेंगे, और इस विरोध का रूपरेखा हम लोग तय करेंगे। और बताना चाहते हैं कि हम लोग 2 मार्च को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुटेंगे, और अल्बर्ट टॉकर चौक होते हुए फिर हम लोग बापू वाटिका जो है मोराबादी, हम लोग वहाँ जाके कार्यक्रम को समापन करेंगे, ताकि हम लोग जो एक बनाएंगे जो डेमो रहेगा ईवीएम का, उस डेमो को लेकर के हम लोग लास्ट में हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक में जलाएंगे, और उसके बाद हम लोग उसको फिर पुनः हम लोग वहाँ से पूरा जुलूस को लेकर के बापू वाटिका को और ला के हम लोग वहाँ पर समापन करेंगे। और हम लोग ये संदेश पूरा देश को देना चाहते हैं कि देश का जनता जाग चुकी है, देश को बचाना होगा गुलामी से, तो ईवीएम को हटाना होगा। राज हो या देश हो, पूरी तरीके से ईवीएम को समाप्त करना होगा, बैलेट पर से होना होगा। ईवीएम का विरोध देश के पैमाने पर हो रहा है, झारखंड में भी अब अभियान शुरू होगा। कि हमारा मानना है कि ईवीएम से जो अजय भाई ने कहा कि वोट की चोरी होती है, और जहां तक अभी तक जो स्थिति है, बहुत सारा लड़ाई देश के अंदर चल रहा है, और देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो तमाम विकसित राष्ट्र में बैलेट पेपर चुनाव हो रहा है, मशीन, और मशीन का कंट्रोल कहाँ से होता है, ये बात आप लोग से छुपी नहीं हुई है। आप लोग मीडिया बंधु सब जानते हैं कि ईवीएम से खेल होता है, और इसलिए इस अभियान के तहत ईवीएम हटाओ देश बचाओ नारे के साथ झारखंड में 2 मार्च को शुरुआत किया जा रहा है, और इससे हम लोग यहाँ से जयपाल स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक जाएंगे, वहाँ से फिर हम लोग बापू हटेगा 4 बजे 2 मार्च को 4 बजे।